टाउन हॉल में वजीर बलदियात महमूद रशीद की पीटीआई कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक। मियां महमूद रशीद ने पीटीआई वर्कर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बैठक का अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद बताइएगा। सूबाई वजीर बलदियात मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की है अपने कोऑर्डिनेटर से, जो कि यूनियन काउंसिल की सतह पर नामजद किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर्स ने यूनियन काउंसिल में दरपेश मसाइल की निशानदेही की, तो सूबाई वजीर बलदियात ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। ताम यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बलदियात ने बलदियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया, जिस हवाले से उनका यह दावा है कि आइंदा साल फरवरी में बलदियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, जबकि इस जमन में जो हल्का बंदियों का काम है उस पर आइंदा हफ्ते वर्किंग का आगाज किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि चूंकि बलदियाती एक्ट 2022 में ईवीएम पर इलेक्शन कराने के हवाले से जो शिफ्ट शामिल है, तो अगर इलेक्शन कमीशनर जो है वो ईवीएम पर इलेक्शन नहीं कराएगा तो इसमें तरमीम करने का जो इख्तियार है वो पंजाब असेंबली का है और मुमकिन तौर पर तरमीम भी कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के जो बलदियाती नुमाइंदे हैं वो ठीक है। राव दिलशाद आपका बहुत शुक्रिया।